एकादशी के दिन सब ब्रह्मा विष्णु महेश्वरों पे सतोपंत के सरोवर में नहाने आते हैं। केशव नारायण माधवा गोविंदा विष्णु मत्सुना त्रिविक्रम वामन सीधर ऋषि ये सब पहले शुरू से ये यहाँ से शुरू करते हैं। हल्का उनका गुफा अलग जिसका हर एक का एक एक गुफा तीन चार गुफा उनके अंडर में है जो भी साधक आते हैं उनको देते हैं। हमें कोई कमी नहीं, नारायण की अनुग्रह से हमें कोई कमी नहीं है। मैं और मेरा भाई दोनों साथ में रहते बद्रीनाथ धाम चाना मंची ये दुर्लभ जगम स्थलम। 2013 में जो है ना मैंने जॉब छोड़ दिया कारणवश। तरीके वंद विनंती बद्रीनारायण दर्शक के दर्शन के बद्री बनी ये भूल जाना कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ ही नहीं कर रहे, हमसे कुछ ही नहीं होगा, जो भी कर रहे हैं नारायण कर रहे हैं। उनकी अनुग्रह उन क्षर में या तो शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता, अनुभूति करना चाहिए उसको। पीछे आते हैं बाद में तिरुपति बालाजी का अवतार होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री बद्रीनाथ धाम में। दोस्तों आज मैं आपको लेके जाऊंगा भृगु मुनि गुफा जो कि यहीं पर लगभग बद्रीनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आज मैं आपको भृगु मुनि गुफा के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों इस समय मैं श्री बद्रीनाथ धाम में हूँ और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ भृगु मुनि गुफा। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं। तो भृगु मुनि गुफा जाने के लिए आपको मंदिर से बाईं ओर जाना होगा। मंदिर से बाईं ओर जहाँ पर टीन शेड लगा है इस रास्ते से जाना होगा आपको। दोस्तों इसी रास्ते पर लाइन भी लगती है और ये टीन शेड बना हुआ है, यही रास्ता आपको भृगु मुनि गुफा ले जाएगा। इसी रास्ते को आपको सीधा पकड़ के रखना है, इसी रास्ते पर आपको सीधा चलना है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर भृगु मुनि गुफा स्थित है। दोस्तों उसी रास्ते से मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर यह टीन शेड लगा है, यात्रियों की लाइन भी लगती है यहाँ पर। ये टीन शेड यहीं पर समाप्त हो चुका है तो आपको इसी रास्ते से सीधा और आगे जाना है। सामने हिमालय का दर्शन और ये नारायण पर्वत है। दोस्तों इसी रास्ते से आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है, लगभग यहाँ से 200 मीटर और जाना है, उसके बाद बाएं घूमना है। भृगु मुनि गुफा जाने के लिए दोस्तों यहाँ से बाएं घूमना होगा और मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर है भृगु मुनि गुफा, यहाँ पर है तो आपको यहीं से जाना होगा। ये पतला रास्ता बना हुआ है, आपको यहीं से सीधा ऊपर की ओर जाना होगा। आपको वहाँ तक पहुँचना है दोस्तों। दोस्तों काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं भृगु मुनि गुफा के पास। यहां पर एक गेट लगा है, आपको ये गेट खोलना है और फिर उसके बाद जो है अंदर जाना होगा। बस अब नज़दीकी है दोस्तों, यहां पर ही बचा है। जय बद्री विशाल महाराज जी। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं भृगु मुनि गुफा, अभी मैं अंदर जाऊंगा और मुनि जी के दर्शन करूंगा। उसके बाद हमारे साथ महाराज जी भी हैं, फिर उनसे हम यहां के बारे में जानेंगे और सत्संग प्रदान करेंगे। दोस्तों यही है भृगु मुनि गुफा, महाराज जी ने बताया इस गुफा में भृगु मुनि जी ने 10,000 साल तक तपस्या की थी। महाराज जी ये भृगु मुनि जी हैं, ये पहला मूर्ति जो है जी भृगु जी है जी, पीछे जो हनुमान जी है, ये शालिग्राम है ठाकुर जी। अच्छा, रोज ठाकुर जी का हनुमान जी का भृगु जी का दोनों यहाँ पे सेवा होता है जी। तो भृगु जी इसी गुफा में 10,000 साल तपस करे सर, उनका ये सतयुग में, सतयुग में लोक कल्याण जैसा आपने बताया जी। तो बाद में क्या हुआ, जब
एक बार नारायण के दर्शन के लिए जाते हैं सतलोक में, तो नारायण जी तो व्यस्त रहते अपने इनके साथ लक्ष्मी जी के साथ, तो इनको गुस्सा आ जाता है, अरे मैं साधु हूँ संत हूँ मुनि हूँ आए मेरे सत्कार नहीं किए कुछ नहीं किए बोल के गुस्से में आ जाते, गुस्से में आ जाके नारायण को पाद प्रहार करते लेफ्ट साइड पे। तो वो चिन्ह अभी भी यहाँ पे है, कहाँ पे मानो अभी जो नारायण जी है ना बद्री नारायण में जी, जो विग्रह है ना जी, वहाँ पे लेफ्ट साइड पे पाद चिन्ह है उनका इनका। अच्छा। जी जी जी। बाद में लक्ष्मी जो है ना वहाँ पे रूट के नीचे भूलोक आ जाती है, अरे नारायण भी पीछे पीछे आते हैं। बाद में तिरुपति बालाजी का अवतार होता है, तिरुपति बालाजी बन जाते हैं नारायण जी वहाँ पे रह के, फिर बाद में लक्ष्मी से शादी करके ऊपर आ जाते हैं, ऐसा है ऐसा। आगे पीछे और हाइट भी वो तो कहते, तो झुक के आना पड़ता था अंदर। बहुत प्राचीन गुफा है ये, इसका थोड़ा बहुत रिनोवेशन कराया है। दोस्तों इस समय मैं हूँ भृगु मुनि गुफा में और हमारे साथ महाराज जी श्री वासुदेव जी जुड़ चुके हैं, जो भृगु मुनि गुफा में ही रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहीं पर नित्य भृगु मुनि जी का भृगु मुनि गुफा में ही निरंतर पूजा करते हैं, प्रत्येक दिन पूजा करते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। महाराज जी जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। आज महाराज जी से हम सत्संग प्रदान करेंगे और श्री बद्रीनाथ जी के बारे में भी कुछ जानेंगे। महाराज जी सबसे पहले तो आप श्री बद्रीनाथ धाम में कब आए और मूल रूप से आप कहाँ से आते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ जी 6 महीने तक खुला रहता है, तो 6 महीने बाद आप कहाँ पे निवास करते हैं? जी हम बद्रीनाथ आ रहे 2011 से। जी महाराज 2011 से आ रहे हैं, रेगुलर आते रहते हैं बद्रीनाथ को। और हम मूल रूप हमारा जो है कर्नाटका में है, कर्नाटका मादिनूर बोल के एक गाँव है, वहाँ पर विष्णुतीर्थ स्वामी जी बोल के रहते हैं, उनके हम अर्चक हैं। वो दक्षिण बद्री के नाम पे प्रख्यात है वो मादिनूर बोल के हमारा जो गांव है। हम 6 महीने यहाँ पे रहते हैं बद्रीनाथ में 6 महीने, फिर बाद में हम हैदराबाद चले जाते हैं, हैदराबाद में हमारा मकान है वहीं पे रहते हैं 6 महीने, वहाँ रहते हैं 6 महीने, यहाँ पे ठाकुर जी का और भृगु जी का सेवा करते हैं। रोज़ बद्रीनाथ आते हैं, बद्रीनाथ आके यहाँ से बद्रीनाथ जी का दर्शन सेवन करके आते हैं प्रसाद वगैरह। महाराज जी आपने हमें अभी बताया था भृगु मुनि जी के बारे में, एक बार फिर आप विस्तार से हमें यहाँ गुफा के बारे में जी, भृगु मुनि जी के बारे में जी, हमारा मार्गदर्शन करें जी। ये भृगु जी जो है ना 10,000 साल इस गुफा में तपस करे से है, सतयुग में तपस करे से वो, सतयुग में ने जब नारायण जी भी यहाँ पे तपस करे थे, नारद जी भी तपस करे थे, वैसे ही भृगु जी भी यहाँ पे तपस किए हैं 10,000 साल तपस किए से इसी गुफा में रह के वो लोक कल्याण के लिए तपस करे से। महाराज जी जैसे बद्रीनाथ धाम में वैकुंठ धाम है, यहाँ के बारे में आप इतने वर्षों से आ रहे हो, आपने क्या अनुभव किया यहाँ के बारे में और हमारे जो दर्शक है उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं यहाँ के बारे में? देखिए अनुभव है ना क्या है, यहाँ पे जो है ना अनुभव किया जाता है, अनुभव जबानी बयान नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते ऐसा हुआ बल्कि बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अनुभव होता है, एकांत बहुत है यहाँ पे। एक केवल मंदिर से बद्रीपुरी से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर ऊपर है पहाड़ में, बहुत यहाँ पे बहुत ही शांत वातावरण रहता है, भजन के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। अपन सब लोग अपने जो भी आते रहते जाते रहते दर्शन वगैरह आते रहते, हम भी सेवा वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत अनुभूति होता है लेकिन वो क्या बोलते हैं अक्षर में या तो शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता, अनुभूति करना चाहिए उसको। सही बात। ध्यान में हो या कुछ इसमें हो थोड़े बहुत बता सकते हैं, नहीं बोल के नहीं, लेकिन अनुभूति करने से वो जरा अलग ही उसका प्रभाव रहता है। जैसा अब समझो मिठाई हम आपको दिए, मिठाई खा रहे आप, कैसा है बोलते मीठा है, कैसा है मीठा है बस उतना ही जी जी, या तो चॉकलेट को ऐसा मीठा है या तो बर्फ़ी को ऐसा मीठा है या तो दूध में शक्कर कैसा मीठा है, बोल नहीं सकते ना, वो अनुभूति से आता है, वो अनुभूति करना चाहिए उसके, किस प्रकार का मीठा है बोलने के लिए उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है ये चीज़ जी जी। ये स्वयं अनुभव करना चाहिए इस मार्ग में आके, मार्ग तो कठिन है नहीं बोल के नहीं, लेकिन
नारायण की कृपा भी होना चाहिए। जो भी अनुभव होता है ना, हम करने से कुछ नहीं होगा। ये भूल जाना कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ ही नहीं कर रहे, हमसे कुछ नहीं होगा। जो भी कर रहे हैं नारायण कर रहे हैं, उनकी अनुग्रह उनकी से होगा, जो भी होगा हम कुछ नहीं कर सकते। अब समझो कुछ अनुभूति हो गया, अरे मैंने किया अनुभूति हो गया, ये गलत बात है। हम करें तो कुछ भी नहीं हो सकता, मानव कुछ भी नहीं कर सकता। वो नारायण की आशीर्वाद है ना, उनकी इच्छा होगी तो ही अनुभूति देंगे, नहीं तो नहीं। जी महाराज जी, महाराज जी बहुत से भक्त हैं जो साधना करते हैं निरंतर, यदि आप उनको कुछ बताना चाहें, कुछ मार्गदर्शन करना चाहें उस संबंध में। मार्गदर्शन तो ऐसा क्या करें हम, लेकिन इस मार्ग में है सवाल है, समझ जाते कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है ना, अंदर का लालच और ये जो मोह रहता है वो सब करने नहीं देता है बहुत सारे लोगों को। जैसे कई साधक होते हैं, साधना करते हैं पर रूटीन नहीं बन पाता उनका निरंतर, तो कैसे वो रूटीन बनाएं? एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता से बनता है सब कुछ। जो भी है अपना एक समझो, अभी मुझे 10 लाख कमाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, वो लक्ष्य मेरा है। लक्ष्य के लिए ये रास्ता है जी। यहाँ पे भगवत प्राप्ति के लिए आए, भगवत प्राप्ति के लिए ये रास्ता है, सात्विक भोजन, स्वच्छता जी, जो जाप ताप और ठाकुर जी की सेवा, निस्वार्थ सेवा। जो भी है ना निस्वार्थ सेवा करना चाहिए, निस्वार्थ सेवा में से सब कुछ हो सकता है। स्वार्थी बनेंगे तो फिर वो तो बिजनेस हो गया। इसमें निस्वार्थ, ठाकुर जी की सेवा करो निस्वार्थ, नारायण जी की, जो भी है वही प्रदान करेंगे। जैसा अपने कर्म है वैसे आपको ये फल मिलेगा, फल की अपेक्षा नहीं करने का। वो तो है, वो तो बोलते सब लोग बोलते, वो बात अलग है, वो तो बोलते हैं सब लोग, हम कोई नया नहीं बोल रहे, लेकिन सेवा करते रहिए, कभी ना कभी अपने को एक्सपीरियंस होगा, इतना तो गारंटी। केवल तो मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ नहीं बल्कि नहीं, 2018 में अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था मुझे, ध्यान में हो इसमें हो, बाद में भी होते रहते, अच्छा एक्सपीरियंस होता है नहीं बल्कि नहीं। लेकिन करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। उसके लिए जो है ना एक स्वच्छता रहना चाहिए, नीटनेस रहना चाहिए, सो मन शुद्ध रहना, मन शुद्ध रहना चाहिए, सब कुछ सात्विक आहार, सात्विक भोजन, वो सब रहना चाहिए। सो भी रह के करें तो अच्छा सा थोड़ा बहुत, अगर एक बार आपको छोटा मोटा एक्सपीरियंस हो गया ना, फिर आप यह मार्ग नहीं छोड़ेंगे। अच्छा महाराज जी, आप कब से इस मार्ग में आए, साधना के मार्ग में, संन्यास के मार्ग में? जैसा कि आपने अभी बताया था, पहले आप काम भी करते थे, हाँ, जॉब भी करते थे, तो कैसे आप यहाँ पर आए, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका और क्यों आपको ये रास्ता चुनना पड़ा? जी 2013 में जो है ना मैंने जॉब छोड़ दिया जी, कारणवश। क्यों बोलना, प्राइवेट कंपनी में ये होता है ना, मैं फार्मा कंपनी में HR और सेल्स एडमिन मैनेजर था, कारणवश अनबंद हो गई। हम जो सीधे साधे हैं, सीधा काम करते हैं, काम करके जाते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह नहीं करते, तो कुछ अनबन हो गई, MD से गड़बड़ हो गया, तो छोड़ दिए जॉब, रिज़ाइन कर दिए। रिज़ाइन करने के बाद क्या करें हम, चले क्या करें, तो हमारे छोटे भाई है वो बोले नहीं चलो चारधाम यात्रा करके आओ, जहाँ के चुपके क्या करोगे, चलो चारधाम है, चारधाम में करे, बहुत सब कुछ सब्जियाँ गए, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में निरंतर हम आने लगे यहाँ पे सब जगह, सब या सब जगह पंच केदार किए, पंच बद्री करे, अमरनाथ गए, वैष्णो देवी गए, सब जगह जाके आए, सबका दर्शन करे। तो एक वहाँ पे जाने के बाद जो है ना अपना एक मनस जो है ना एक अलग ही दिशा में रहता सोच। सतोपंत भी गए, सतोपंत में 20 दिन गुफा में रहे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या रहता है एक सोच, ये लौकिक लौकिक के बारे में याद आता ही नहीं है, घर भी याद नहीं आता, यहाँ पे ऐसे जगह रहेगा ना, ये वातावरण ऐसा है, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी इतना रहता है कि दूसरा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए बार बार हमको आने के लिए यहाँ पे प्रेरित करता है, हर साल आते हैं। अभी तो अभी 3 साल से तो 6 महीने रह रहे हैं यहाँ पे, 18 के बाद एक साल नहीं आए, एक साल या डेढ़ दो साल नहीं आए, कि बोलते कोरोना की वजह से नहीं आ सके, वो बहुत दिक्कत होता बोल के। अभी तो यहाँ पे भृगुना में वास स्थल मिल गया हमको यहाँ पे रहने के लिए जी। तो 6 महीना यहाँ रहते हैं, यहाँ का सब देखभाल वगैरह करते हैं, 6 महीने वापस बाद में हम हैदराबाद चले जाके वहाँ पे 6 महीना रहते हैं जी।
तो हैदराबाद में महाराज जी जब आप जाते हैं वहाँ पर आपका घर है, वहाँ पर कौन कौन है आपके? जी मैं, मेरा भाई रहता है, छोटा भाई, और मेरी छोटी बहन है, तीन लोग ही रहते हैं, हम तीन लोग रहते हैं जी। तो घर में भी अच्छा वातावरण रहता है, भक्तिमय माहौल है, किसी ने किसी से किसी को लेना देना नहीं जी, जी, जी। कोई किसी से बातचीत भी नहीं करता, कुछ चाहिए तो बात करने का, नहीं तो नहीं, जो अपने अपने कमरे में हम लोग बस अपना अपना भजन करो, कुछ भी करो, जो भी है एकांत में रहो। जितना एक यहाँ पर आने के बाद जो है ना एकांत में रहने का एक आदत हो गया, कभी कोई ज़ोर से बात भी करता है तो ये क्यों करते इतने ज़ोर से बात, ऐसा फील आता है। घर में भी उसके लिए ना ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते, कुछ ज़रूरत है तो बात करने का, नहीं तो नहीं, अनावश्यक कुछ भी बात नहीं होता है, डिस्कशन अगर ऐसा कुछ नहीं रहता है, बस जो भी है अपने अपने इसमें रहते हैं जी। महाराज जी जब आप सतोपंत रहे, आप बता रहे 20 दिन जी आप गुफा में रहे जी, तो सतोपंत में रहे या उससे आगे स्वर्गारोहिणी में, और आपका क्या वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, क्या आपको कुछ ऐसा वहाँ पर कुछ चमत्कार या कुछ ऐसे संतों के दर्शन भी हुए वहाँ पर? संतों के दर्शन बोल तो हम जब थे ना मई में अदृश्य संत भी, अदृश्य संत ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, जी, जी। बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो हम भी सुने थे कि एकादशी के दिन सब ब्रह्मा विष्णु महेश्वरों पे सतोपंत के सरोवर में नहाने आते जी, जी, हाँ, बताते हैं हम 20 दिन में एक एकादशी आया तो हम भी नहाए थे उस दिन, तो वैसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, आते होंगे नहीं बोल के, ये शरीर ये आँख से नहीं दिखेंगे, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म आँख से देखना पड़ता है उसके लिए, उसके लिए तप बहुत होना पड़ता है, बहुत सूर्य होने के बाद में वो भी नारायण की इच्छा होगा तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो आप सतोपंत में रहे या आगे सतोपंथी में रहे? आप सतोपंत में रहे, सतोपंत में गुफा है, 3-4 गुफा है, वहाँ पर अमनदास बोल के एक रहते हैं, जम्मू वाले हैं, वो भोजन का वगैरह प्रबंध करते हैं जी, जी। उनके साथ में रहता था, बोलता उनका गुफा अलग, जिसका हर एक का एक एक गुफा, 3-4 गुफा उनके अंडर में है, जो भी साधक आते हैं उनको देते हैं, भोजन का वगैरह व्यवस्था करते हैं, भोजन का व्यवस्था वो ही करते हैं, अमनदास जी करते बहुत ही दयालु है, बहुत ही करुणालु है और सेवा भावक है, सेवा भाव बहुत है उनके इसमें, अमनदास जी। तो वहाँ पर 20 दिन रहे, 20 दिन बस 20 दिन कैसा कटे पता नहीं चला, मतलब यहाँ पे भी ऐसे होता, अभी आके हम 2 महीना हो रहा, ऑलमोस्ट ऑल 2 महीना हो रहा, पता ही नहीं चला 2 महीना कट गया ऐसा, दिन बीतते जा रहे हैं बस उतना ही, बस एक यहाँ पे जो है ना वो वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है ना एक अलग ही माहौल में रखता है, आप कुछ करिए ना करिए, भजन करिए ना करिए, बस पड़े रहिए, बस वही ज़्यादा है। यहाँ पे आना बोले तो नारायण जी की कृपा होना चाहिए जी जी, वरना कई लोग तो हमारे कर्नाटक से बहुत सारे लोग आते हैं, कभी पांडुकेश्वर से वापस चले आते हैं, नहीं तो जोशीमठ से वापस चले आते हैं, नहीं तो हरिद्वार से वापस चले आते हैं, दर्शन नहीं हो पाते, बहुत दुर्लभ है दर्शन। हम ये नारायण जी की कृपा हमारे पर बहुत है कि 6 महीना यहाँ पे रहने दे रहे, आने दे रहे, रोज़ उनका दर्शन ले पा रहे हम, बस तीर्थ प्रसाद यहाँ पर लेते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते, यही बात है, उनकी आशीर्वाद हमारे ऊपर है बोल के तो समझ में आता है। महाराज जी जैसे मैंने देखा यहाँ पर दक्षिण भारत से भी बहुत लोग आते हैं बद्रीनाथ जी में दर्शन करने जी, के लिए जी। और हर जगह से आते हैं, वैसे तो देश विदेश से हमारे जी। देश के हर कोने से आते हैं जी। लेकिन वहाँ से जो आते हैं श्रद्धालुगण आते हैं जी। बहुत ही ज़्यादा उनमें भक्ति भाव रहता है जी, जी, जी। जो साउथ से आते हैं जी, जी। तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसका जो है ना ये नॉर्थ और साउथ में जो है ना ये डिफरेंस है, नॉर्थ में जो है ना यहाँ पे हिमालय है जी, वजन प्रदेश समझो जी, हिमालय चट्टान है पूरे और शिव जी का स्थान है जी, तो ये बहुत हेवी हो गया। उसके लिए भगवान नारायण ने क्या किया, चंद महात्मा लोगों को नीचे और भेजा दक्षिण की ओर, वहाँ पे देखे मंदिर उन्दिर बाबा लोग हमारे गुरु लोग वो सब बहुत है उधर, अगस्त मुनि वो मुनि ये मुनि सब वहाँ पे तपस करे, सो जगह है बहुत सारे, वो पॉजिटिव एनर्जी है। हमारे इसमें क्या है, जैसा कि 2-4 साल 5 साल हो गया समझो, 5 साल हो गए अपन घर में, बड़े लोग सब कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ना सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, ये सिखा देंगे, कैसा रहना क्या करना, पूजा कैसा करना, वो कैसा करना, ये कैसा करना, सब सिखाएंगे। शुरू से यह माहौल घरों में रहता है, बचपन से रहता है, ये भी देखा है मैंने, बचपन से बच्चा जैसे समझने लगता जी, है जी, जैसे विष्णु सहस्रनाम पाठ हुआ और वेद पाठ हुआ, उसका निरंतर अभ्यास करते रहते हैं सब,
सो पहले से वही सिखाना शुरू कर दे जी जी। पहले केशव नाम बोलना शुरू कर दे 24 केशव नारायण माधव गोविंदा विष्णु मत्सुना त्रिविक्रम वामन सीधर ऋषि ये सब पहले शुरू से ये यहाँ से शुरू करते जी जी जी। हल्का धीरे धीरे छोटे 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 श्लोक बोलने लगाते बाद में विष्णु सहस्त्र नाम बोलने लगाते सब कंटस्थ कर लेते छोटे छोटे बच्चे लोग वहाँ पे वेद पाठ बहुत सारे हैं उधर बहुत सारे बच्चे लोग जाते हैं बहुत सारे पंडित बन के आते हैं बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं बाद में वेद के बारे में उपनिषद के बारे में बोलते हैं वो माहौल उधर बहुत है भक्ति में माहौल बहुत है। जब ये कौन सा भी ऐसा करो दे कि एक ये महान जी आ रहे और यहाँ पे ये हफ्ते एक 10 दिन इनका प्रोग्राम रहेगा जी 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 तो ऐसा भीड़ जमेगा पूछो मत। अच्छा भीड़ भी जमेगा भोजन वोजन भी हो गए उसके लिए भी पैसा भी देंगे सब देंगे सीखने को भी मिलेगा सब वो माहौल में जो है ना वो माहौल में रहने से क्या होता है अपना मन भटके या नहीं दूसरे जैसा दारू हो गया शराब हो गया ऐसा आजकल तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग ऐसा भटक जा रहे हैं जी 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 तो ये माहौल में रहने से क्या होता है आजकल भटकेंगे नहीं ये लोग। और जैसे मैंने देखा जो साउथ में फिल्में भी बनाई जाती हैं उसमें भी हमारे संस्कृति को ज़्यादा दिखाया जाता है जी जी बहुत ही अच्छा और आप परिवार के साथ बैठकर भी वो फिल्में और ज्यादातर जैसे मैंने बद्रीनाथ मूवी देखी है जी, 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 उसमें भी बहुत अच्छा दिखाया जाता है महाराज जी वो भी साउथ से निकला जी, था जी, 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 हाँ। वो सब क्या है ना वहाँ पे पहले से वो माहौल है एक पिक्चर भी बनाया ना फैमिली एंटरटेनमेंट रहता था जी, जी, जी। घर में माँ बाप भाई बहन पहले कैसा ज्वाइंट फैमिली रहता था ना दाऊ दादा भाई बहन सब बच्चे सब लोग रहते थे वैसा पिक्चर लेके एक बनाएंगे घर में कैसा क्लेश रहता कैसा ये रहता जी, जी। कैसा लड़ते फिर कैसा मिल जाते अंतिम अंत में जरा अच्छा बताते कि वो एक मैसेज देते वहाँ पे एक दुनिया के लिए जो ये जनता के लिए एक मैसेज देंगे तो ऐसा करेगा तो ऐसा परसों रिसेंटली एक है इंडिया हमारे तेलुगु में तेलंगाना में जी। एक बलगम बोल के एक पिक्चर आया जी। इतना आया पूछो मत वो पिक्चर देखे से वाला रोए से वाला नहीं है भाइयों भाइयों में लड़ाई कैसा होता भाइयों भाइयों कैसा मार लेते बाद में कैसा मिलते ये सब बताते ये क्या है ना एक मैसेज देते हैं लोग साउथ में होगा दक्षिण में कौन सा कन्नड़ा ले लो तेलुगु ले लो और तुम्हारे तमिल का ले लो का। ये सब जो है ना वो मलयालम हो दो ये रिलीजियस पिक्चर भी बनाते हैं ऐसा फैमिली एंटरटेनमेंट भी बनाते हैं उसमें एंटरटेनमेंट भी रहता कॉमेडी भी रहता और एक मैसेज भी रहता कैसा जीना चाहिए कैसा रहना चाहिए हम लोगों और भक्ति का भी जरूर का भी कुछ जरूर वो एंगल भी रहता है वो एंगल भी पूजा करने का कैसा वो करने का कैसा ये करने से क्या अब समझो मर्द अच्छा पूजा कर रहे तो बीवी दूसरे तरफ से रहेगी वो ये क्या पूजा कर रहे हो कर रहे हो बोल के ऐसा कुछ बोलते रहेगी फिर बाद में मिल लेके वो भी पूजा करेगी ये भी पूजा ऐसा तो एंड अच्छा बताते इसलिए कि एक मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी में कैसा रहना चाहिए दारू पीने से क्या होगा गुटखा खाने से क्या होगा और कुछ करने चोरी करने से क्या होगा एक ना एक दिन बुरे का अंत बुराई होगा ये तो सबको मालूम है सब बोलते हैं लेकिन बुरा जो कर रहा है उसको भी पता होता है फिर भी करता है उसने वो क्या है ना अपने इसमें सुधार आना चाहिए बहुत सारा वो तो महाराज जी आपको श्री बद्रीनाथ धाम में जैसे कि आप बता रहे हैं आप चारों तरफ घूमे तो वैष्णो देवी जी भी गए जी, जी। और पंचकेदार करे पंचबद्री किए आपने हाँ। और इतनी जगह गए तो यहाँ पर आपका रुकने का कारण श्री बद्रीनाथ धाम में क्योंकि आप इतने जगह गए केदारनाथ जी भी गए आप जी, जी। तो यहाँ पर रुकने का क्या कारण है आपका आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर जी ये तो नारायण की इच्छा है और जो है ना यहाँ पे जो है ना वही बोलते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी जी देखिए आप नीचे कहाँ भी जाइए जमीन पे बैठे तो जमीन में नेगेटिव एनर्जी रहता जी यहाँ पे बद्रीनाथ में आप कहाँ भी बैठो पॉजिटिव एनर्जी जी जमीन पे आपको कुछ बिछाने की ज़रूरत नहीं नीचे बोलता हूँ नीचे बिछाना पड़ता नहीं तो नेगेटिव एनर्जी जमीन से भी आता है यहाँ पे ऐसा नहीं पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे क्या ना ऐसा खाली बैठे तो बस है कुछ करने की ज़रूरत नहीं मन जो है ना शांत रहता है और गलत नहीं सोचता मन ऐसा है ना बहुत बुरी चीज़ है वो उसको कुछ ना कुछ काम देना चाहिए नहीं तो उल्टा पलटा सोचने लगता है उसके लिए है ना वो ध्यान करने का कुछ पढ़ने का जाप करने का मंत्र पढ़ने का जाप करने का ये सब करने के लिए उसी के लिए करते हैं और कॉन्सेंट्रेशन से करना चाहिए बार बार मन भटकते रहता फिर वापस लेके आना पड़ता है इधर तो वही हिसाब से यहाँ पे वही है कि यहाँ पे रहने से क्या है ना सब कुछ भूल जाते हैं हम जी बस घर का याद ही नहीं आता दो वही बोला ना 2 महीने गुजर गए कैसा गुजरे पता नहीं चला ऐसा है
तो महाराज जी ने दोस्तों वैसे सही बात, मेरा भी अनुभव यही है, मैं काफ़ी वर्षों से आ रहा हूँ, 5-6 साल हो गए श्री बद्रीनाथ धाम में, और जब मैं यहाँ आ जाता हूँ मेरा मन भी यहाँ से जाने का नहीं करता बिल्कुल भी। अभी मुझे महाराज जी 2 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरा मन बिल्कुल जाने का कर ही नहीं रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है और इतना मन यहाँ पे लगता है। दोस्तों जब भी आप श्री बद्रीनाथ धाम में आएंगे आप ये अनुभव जरूर करेंगे, जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपका मन घर जाने का भी नहीं करेगा, आपको यहाँ इतना अच्छा महसूस होगा। महाराज जी जैसे आप यहाँ रहते हो, आप तो मंदिर सुबह सुबह जाते हैं जी जी, और फिर उसके बाद आप आश्रम में आ जाते हैं भृगु मुनि गुफा जो है, आप श्रृंगार करते हो, पूजा अर्चना करते हैं और ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं, तो महाराज जी जैसे खाने का आपका कैसे होता है, मतलब कहाँ से? जी हम लोग ही बना लेते हैं खाना वगैरह, जैसे महाराज जी जैसे पैसा इत्यादि? नहीं, पैसे हमें कोई कमी नहीं, नारायण की अनुग्रह से हमें कोई कमी नहीं है, मैं और मेरा भाई दोनों साथ में रहते हैं जी, और जो हमारा फिक्स डिपॉजिट है, जो उनका पेंशन आता है, जो भी है उसका इंटरेस्ट आता है, उससे चल जाता है। अच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं, और 4 लोगों को हम भोजन वगैरह करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नारायण के आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो है हम उसमें संतुष्ट है बस, ज़्यादा आशा भी नहीं, बस बद्रीनाथ धाम है, बस ये नहीं छूटना पाए जी जी जी, बस भले कुछ भी छूट जाए, शरीर भी छूट जाए, लेकिन बद्रीनाथ ना छूटे, हमें इच्छा हो, शरीर भी छूटे तो यही छूटे जी, इच्छा तो वही है आगे बद्रीनाथ की इच्छा, हमें पैसे वैसे की कोई चिंता नहीं है, बस सब सामान आता है, सब लेके आते हैं, कोई चिंता नहीं है, पैसा का बहुत प्रबंध है हमारे पास, कोई चिंता नहीं है पैसे के बारे में। जैसे महाराज जी यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं बद्रीनाथ धाम में, लगभग पिछले साल 15 लाख लोग आए थे, ऐसे लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, आप उनके लिए कोई संदेश यदि देना चाहें तो? संदेश यानी क्या दे, संदेश कुछ नहीं, बस श्रद्धा से आइए, नारायण का दर्शन कीजिए, ये दुर्लभ है, बद्रीनाथ जी यहाँ पे उतना आसानी से आने नहीं देते हो, उनके अनुग्रह चाहिए और घंटाकरण के भी अनुग्रह चाहिए, यहाँ वो क्षेत्रपालक है, यहाँ के बद्रीनाथ के क्षेत्रपालक है, उनकी अनुग्रह चाहिए, स्वास्थ्य पैसा देने वाले घंटाकरण है, दर्शन देने वाले बद्रीनारायण, बद्रीनारायण के दर्शन के आप करें नहीं करें दर्शन, उनकी एक दृष्टि हमारे पे गिर गई ना, बस धन्य हो गया समझो। महाराज जी आप, महाराज जी को दोस्तों, महाराज जी को तेलुगु भी आती है और कन्नड़ भी आती है और हिंदी, तो महाराज जी हिंदी में तो बोल ही रहे हैं और साथ ही साथ महाराज जी इंग्लिश भी बोल लेते हैं। महाराज जी कई दर्शक ऐसे भी होंगे जो शायद कर्नाटक से जुड़ेंगे हमारे साथ और आंध्र प्रदेश से भी जुड़ेंगे, उनके लिए आप एक एक लाइन में, यदि आपकी इच्छा हो, एक एक लाइन में, एक कन्नड़ में और एक लाइन में तेलुगु में कोई संदेश अवश्य दीजिए, एक लाइन में तेलुगु, एक लाइन में कन्नड़ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬದ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದುರ್ಲಭ ಜಾಗ ಇದು, ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಗೆ ಮಾಧವರಿಗೆ ಮಾಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತರ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಪಿಂಡದಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತಿದೆ, ಬನ್ನಿ, ಬರೀ ಅದ್ರ ಸಲಾಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ದರ್ಶನವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ. ಏ ತೆಲುಗು ಮೇ ಬೋಲ, ಏ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬೋಲೆ ಸರ್, ಅಪ್ ತೆಲುಗು ಮೇ, ತೆಲುಗು ಮೇ ಬೋಲಿಂಗ್. ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರಜಲಕು ఒక చెప్పేది ఏంటంటే, బద్రీనాథ్ ధామ్ చాలా మంచి, ఈ దుర్లభ జగము స్థలము చాలామందికి, అందరికీ తెలిసింది, అందరూ రాండి ఇక్కడ వచ్చి నారాయణ దర్శనం చేసుకోండి, అదే చరణపాదుక ఉంది, చరణపాదుక పోవచ్చు, ఈ భృగు గుఫ ఆశ్రమం ఉంది ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ భృగుజీ దర్శనం చేసుకోవచ్చు, మానా పోవచ్చు, అన్ని దగ్గర పోయి పోయి రావచ్చు, చాలా మంచి ప్లేస్ ఇది, అందరికీ తెలిసిందే, నేను చెప్పేది ఏం అవసరం లేదు, ఆయన కూడా అందరికీ తెలిసింది, వచ్చి నారాయణ దర్శనం తీసుకొని పోండి అందరు. महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय बद्री विशाल. तो दोस्तों जब भी आप श्री बद्रीनाथ धाम आएँ और आपके पास थोड़ा समय हो, वैसे बद्रीनाथ धाम से यहाँ पर आने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, और ज़रूर आप भृगु मुनि गुफा आएँ और भृगु मुनि जी के दर्शन करें. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखिएगा. धन्यवाद, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल.